अगर कन्हैया कुमार बीजेपी में शामिल हो जाए तो ये युवा स्वीकार करेंगे कि नहीं करेंगे? मैं बीजेपी को त्याग दूंगा, मैं बीजेपी को त्याग दूंगा, ऐसा मैं कभी नहीं पसंद करूंगा सर। कन्हैया कुमार कौन सी आजादी मांग रहा है? मैं कन्हैया कुमार से पूछना चाहता हूँ कौन सी आजादी मांगना चाह रहा है? हमारा देश आजाद हो चुका है, कौन सी आजादी चाहिए उसको? किससे आजादी चाहिए? इनके पापा टेंट में बैठेंगे अच्छा लगेगा, इनके पापा टेंट में बैठेंगे अच्छा लगेगा। आपके दिल में तो कन्हैया कुमार है, आपके दिल में तो कन्हैया कुमार आप भी है, आप भी है। बिल्कुल नहीं है, हमारे दिल में कन्हैया कुमार बिल्कुल नहीं है। कन्हैया कुमार का ना हमारा दिल चाहिए ना इस देश के लिए जगह है। कन्हैया कुमार कोई जगह नहीं हमारे। मैं तो क्लोजअप से सबसे पहले मुंह धोऊंगा क्योंकि साले का नाम ले लिया है, मुंह गंदा हो गया है मेरा। मोदी के टक्कर में कोई नहीं है, जो भी है धन चक्कर है, साफ जमानत पे चल रहे हैं। कन्हैया कुमार को बेगूसराय से बिहार के लोगों ने क्यों मंगाया? फिर मैं बोलूंगा बातें, फिर बोलूंगा बातें आगे बढ़ेगी। हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री गुजरात से आते हैं, बनारस से चुनाव लड़ते हैं भाई साहब। ये फ्रीडम है, ये फ्रीडम है, कहीं से भी जीतने के बाद, हारने के बाद नहीं, जीतने के बाद। ठीक है, जीतने के बाद, जीतने के बाद ही बात कर रहे हैं या हारने के बाद? राहुल गांधी हारने के बाद अमेठी छोड़ देते हैं, वायनाड जाते हैं। कन्हैया कुमार हार जाते हैं बेगूसराय से, तब दिल्ली आते हैं। आप इस पे नहीं कर सकते हैं ना वैसे, अगर आप उस बात पे आपको प्राउड है ना, प्राउड है ना, प्राउड है, क्योंकि प्राउड है, प्राउड है, उसका भी तो जान लो, प्राउड होने का रीजन है अगर हम लोग जीते। आपने उनको हराया इस बात का? अरे सुन लो भाई, सुनो आप पत्रकार बंधु सुनोगे तब तो। मोदी के टक्कर में कोई नहीं है, जो भी है धन चक्कर है, साफ जमानत पे चल रहे हैं। मैं तो भाई तो कुछ भी नहीं, मैं तो उसको देखता ही नहीं हूँ, मैं जानता ही नहीं कौन है वो, और बताओ ऐसे लोग को मैं जानना भी नहीं चाहता। ऐसे लोग को, ऐसे व्यक्ति को कांग्रेस ने टिकट दिया है? किसने? कांग्रेस ने टिकट दिया भाई, देखो ऐसा है ना, चोर पार्टी चोरी को टिकट दिया है, और कांग्रेस ने ना वो जब गीदड़ की मौत आती है ना, वो थोड़े शहर की तरफ, सुनो वो थोड़े शहर की तरफ चला जाता है, वही कांग्रेस ने अब किया है कन्हैया कुमार को टिकट दे। कन्हैया कुमार के घर से आ गए, क्या नाम है आपका? राजेश गुप्ता। कन्हैया कुमार के यहाँ से? हाँ, मेरे गांव से पाँच, एक मिनट, मेरा बेगूसराय भगवानपुर घर हुआ, बेगूसराय भगवानपुर घर हुआ, बीहट बेगूसराय बीहट का वही है, और मेरा मंझोल घर हुआ, जीरो मार मंझोल घर हुआ मेरे बारे में। आपको कन्हैया कुमार पे प्राउड है? कन्हैया कुमार एक नंबर बिहार का गुंडा है, सूरज भान सिंह के चमचा है, गुंडा है वो। कन्हैया कुमार मैं जानता हूँ, कन्हैया कुमार जो है सूरज भान सिंह, एक मिनट, सूरज भान सिंह है बेगूसराय का, सूरज भान सिंह यूँ जानते होंगे शायद नाम, एक मिनट, सूरज भान सिंह का चमचा है, एक नंबर गुंडा है बिल्कुल। कन्हैया कुमार जो वोट मांगने जा रहे थे ना जोर के गाड़ी पे, बिल्कुल कोई सपोर्ट नहीं कर रहा था उसको। गिरिराज सिंह क्यों जीत गए वहाँ से? क्यों? बेगूसराय का बेटा था वो, कन्हैया कुमार बेगूसराय का बेटा था, कन्हैया कुमार बेगूसराय का बेटा था, लेकिन बेगूसराय का उसको लाइक क्यों नहीं किया? और गिरिराज सिंह कहाँ का है? छप्पर सीमान का है, वहाँ पे लाइक उनको क्यों किया? क्योंकि वो नालायक था, इसलिए वो नालायक था। आपको गर्व है कन्हैया कुमार पर? बिल्कुल गर्व है कन्हैया, बिल्कुल। आप ये नहीं बोल रहे, आप समझ जाओ क्या बोल रहे हैं। तीन चीजें बोले, पहला प्राउड है आपको कन्हैया कुमार पर, सुनो मेरी बात, मैं आप इंग्लिश बोल रहे, मैं समझ नहीं आ रहा हूँ कन्हैया को, मैं अब इंग्लिश। हिंदुस्तान तेरे टुकड़े होंगे, इंशा इंशा इंशाल्लाह इंशाल्लाह, इनको गर्व है उसके ऊपर। ये इन्होंने सवाल उठाया, उनसे वो शुरू करेंगे, इनसे जरा पूछिए कि सूरज भान सिंह कौन है, पूछिए इनसे, मेरा सवाल है, पूछा है। एक नंबर गुंडा, जब गुंडा है ये माइक पे बोल रहा है, ये माइक पे बोल रहा है, एक मिनट सुनो आप, बोलिए बोलिए आप। आप जिस गांव से हो, बिहार का आप अच्छी तरह जानते हो, बिहार से मैं रजौली में है, और कन्हैया के घर से आपके घर की दूरी है, ठीक है, 7 किलोमीटर। जिस सूरज भान सिंह के नाम ले रहे थे वो बिहार का क्रिमिनल गुंडा स्वीकार कर रहे हैं ना, और वो बीजेपी में है तो राजा हरिश्चंद्र है। ये है, ये सवाल है। अब मुझे बताइए कांग्रेस, रुक जाइए, कांग्रेस ने कन्हैया कुमार को टिकट दिया, भाजपा कह रही है कांग्रेस की मंशा साफ हो जाती है। ये तो बिल्कुल साफ है, इसमें झूठ क्या है? जो हिंदुस्तान के टुकड़े करने पे चला हुआ है कांग्रेस को टिकट दे रही है तो साफ है, ये कांग्रेस की मंशा साफ है। कांग्रेस किस राह पे चल रही है? किस राह पे कांग्रेस है? बीजेपी वोट टिकट दे दे, मैं डका के इस युवा बंधु से पूछता हूँ, युवा बंधु से, अगर कन्हैया कुमार बीजेपी में शामिल हो जाए तो ये युवा स्वीकार करेंगे कि नहीं करेंगे? मैं बीजेपी को त्याग दूंगा, मैं बीजेपी को त्याग दूंगा, ऐसा मैं कभी नहीं पसंद करूंगा सर। कन्हैया कुमार कौन सी आजादी मांग रहा है? मैं कन्हैया कुमार से पूछना चाहता हूँ कौन सी आजादी मांगना चाह रहा है? हमारा देश आजाद हो चुका है, कौन सी आजादी चाहिए उसको? किससे आजादी चाहिए? किससे आजादी मांग रहे थे कन्हैया कुमार? बेरोजगारी से मैं भी मांग रहा हूँ,
भुखमरी से मैं भी मांग रहा हूँ, महंगाई से मैं भी मांग रहा हूँ। किसके टुकड़े की बात कर रहे थे, किसके टुकड़े की बात कर रहे थे? इस देश में भाईचारा को बांटने वाले के टुकड़े से आजादी चाहिए। दुकान टीएमसी से पूछो जाके आप हिंदू। अच्छा अच्छा, राहुल गांधी, राहुल गांधी शहीद का दर्जा मांग रहा है, जो अफजल गुरु शहीद पे हमारे मंदिर पे हमला किया था उसका शहीद, उसका शहीद का दर्जा मांग रहा है अफजल। राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा पे निकले हैं, ठीक है ना, इनसे पूछो हिंदुस्तान टूटा कब था और बीच में यात्रा छोड़ के भाग क्यों गई है, इनसे ये जवाब पूछिए। कहा अब इनसे मैं पूछता हूँ, हमारा राम लल्ला जो मेरे दिल में है, कतरे कतरे में है, वो भारत छोड़ के गए कहाँ थे? आप प्राण प्रतिष्ठा में क्यों नहीं गए थे? आप प्राण प्रतिष्ठा में क्यों नहीं गए थे? आपको निमंत्रण दिया जाएगा, आपके लिए दिल में बसा हुआ था, आपको निमंत्रण दिया जाएगा, आप क्यों नहीं गए थे? साढ़े पांच सौ साल के बाद राम लल्ला आज अपने मंदिर में, आज अपने भवन में बैठे, आज इनको उसके ऊपर भी शक है, तकलीफ है कि वो कहाँ गए थे जिस दिन रामलला का मूर्ति की स्थापना था, वो कहाँ गए थे, वो कहे? हाँ, तब ये नहीं बोले, तब नहीं बोले, बोलूंगा। अब उसके पहले कहाँ बैठे थे, उसके पहले रामलला कहाँ बैठे थे? टेंट में बैठे थे। कौन सी मानसिकता है? आप राम भगवान का झंडा लेके क्यों नहीं गए? आप बस इनके पापा टेंट में बैठेंगे अच्छा लगेगा, इनके पापा टेंट में बैठेंगे अच्छा लगेगा। सर एक क्वेश्चन आपसे, आपके पापा टेंट में बैठेंगे अच्छा लगेगा, आपके पापा टेंट में बैठेंगे अच्छा लगेगा, ये बताइए मुझे। आप लोगों को चिल्ला कर जवाब देना। आपको टेंट में अच्छे थे? मेरे भगवान टेंट में को चला, किसी को चिल्ला कर जवाब देने हमको नहीं आता, जितनी शिक्षा है उतनी अच्छी है। राम लल्ला आपको एक ही लाइन बोले, मेरे एक एक कतरा में बैठे हैं, एक एक कतरा में है, इसलिए नहीं गए थे। कांग्रेस ने इसलिए निमंत्रण ठुकराया था, इसलिए ठुकराया था निमंत्रण। ये व्यक्तिवाद की बात है, मैं किसी व्यक्ति पे उंगली नहीं उठा सकता, किसी के मान सम्मान। कांग्रेस की बात कर रहे हैं, किसी व्यक्ति का, पूरी कांग्रेस कहाँ थी, कहाँ गई? राम मंदिर का जिस दिन था तब जवाब ले लो, पत्रकार बंधु आप जवाब ले लो, चूंकि भाई साहब को मैं एक लाइन में क्या बोल रहा हूँ, जिसने नहीं गया वो पार्टी जाने, हम पार्टी विशेष की बात नहीं कर रहे, ये राम की बात कर रहे हैं, तो मैं राम की बात करूंगा, राम मेरे दिल में है। ये आपके आपके दिल में तो कन्हैया कुमार है, आपके दिल में तो कन्हैया कुमार आप भी है, आप भी है, हिंदुस्तान बिल्कुल नहीं है। हमारे दिल में कन्हैया कुमार बिल्कुल नहीं है, कन्हैया कुमार का ना हमारा दिल चाहिए ना इस देश के लिए जगह है, कन्हैया कुमार कोई जगह नहीं हमारे। मैं तो क्लोजअप से सबसे पहले मुंह धोऊंगा, क्योंकि साले का नाम ले लिया है, मुंह गंदा हो गया है मेरा। सबसे पहली बात सुन लो, राम मंदिर पे राजनीति कौन कर रहा है? अभी आप देखे होंगे, जब राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा से पहले बसपा का झंडा लेके जाना क्या मतलब बनता है, टोपी पहन के जाने क्या मतलब बनता है? आप भगवा झंडा लेके जाइए, आपको क्या दिक्कत है? भगवा झंडा ले जाने में क्या दिक्कत है? आप बसपा का झंडा ले जा क्यों ले जा रहे हैं? आप राजनीतिक, आप वो बसपा वाले कर रहे हैं या बीजेपी वाले कर रहे हैं? राहुल गांधी ने आज घोषणा कर दी, भाजपा 180 नहीं अब 150 पे सिमट जाएगी, भाजपा 400 पार जाएगी, ये नारा है भाजपा का नारा है। अरे ये हम हिंदुओं का, हम सनातनियों का, पूरे भारत का नारा है, ये भाजपा नारा नहीं है, ये सबका नारा है। अब पूरे देश का नारा कब से हो गया? पूरे देश का नारा है, कैसे? जितना जिनसे पूछे सबसे पूछिए अब क्यों नहीं है, जितने भी देश के 140 करोड़ जो हिंदुस्तानी हैं, सब इस बार भाजपा को ही वोट देंगे। इस बार क्यों, 10 साल में ऐसा क्या कर दिया पिछले बार? क्यों नहीं, क्या नहीं किया मोदी ने? आप गांधी कह रहे, मैं नहीं कह रहा हूँ, कांग्रेस कह रही है मोदी ने देश को बेचा है, बर्बाद किया है। अगर तीसरी बार भाजपा आ गई, देश खतरे में आ जाएगा, लोकतंत्र खतरे में आ जाएगा। ये तो जनता को भी मालूम है, ये जनता को पता है, ठीक है ना, देश कहाँ जा रहा, आज देश कहाँ पे है, पहले आज से 10 साल पहले कहाँ था, आज हमारी इकोनॉमी कहाँ है, हम 5 ट्रिलियन नेक्स्ट ईयर टर्म में हम 5 ट्रिलियन को टच करने वाले हैं, ऐसा कुछ नहीं है, ये एक कांग्रेस का बनाया हुआ फॉर्मूला है, हाँ ठीक है ना, 2014 से कांग्रेस यही कही जा रही है, मोदी आएगा देश बर्बाद हो जाएगा, 2019 में बोला मोदी आएगा, जितनी जितनी बार ये बोलेंगे मोदी तब तक ऊपर जाएगा, ऊपर जाएगा बिल्कुल ऊपर जाएगा, गड्ढे में ही जाएगा भैया। कांग्रेस पार्टी कहते हैं लोकतंत्र खत्म होने वाले हैं, लोकतंत्र खत्म होने वाले, लोकतंत्र खत्म नहीं हो रहे हैं, कांग्रेस पार्टी खत्म हो रहे हैं, लोकतंत्र खत्म नहीं हो रहे, कांग्रेस पार्टी खत्म हो रहे हैं। कांग्रेस राम का विरोध करते 400 से नीचे आ गई और मोदी राम जी को साथ में लेके 400 से ऊपर चले गए। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।